नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सॉफ्टामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सॉफ्टामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह कुछ नए विषय, कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। बेसिकली आज का ये जो हमारा वीडियो है फिलीपींस की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में है। किस मायने में यूनिवर्सिटी टॉप गिनी जा रही है, क्या रीजन है उसके पीछे, क्या है उसका एजुकेशन सिस्टम और क्या एडवांटेज है फिलीपींस में MBBS करने के बारे में, उसके बारे में यहाँ पे आज विस्तृत चर्चा करेंगे हम। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए। चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं फिलीपींस की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस साल जो कोविड कंडीशन है यहाँ पे, उसकी वजह से हर एक कंट्री का जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है या दूसरा कोई भी एजुकेशन सिस्टम है वो डिले चल रहा है। अगर मेडिकल एजुकेशन की बात करेंगे हम लोग हर एक कंट्री के बारे में, तो रशिया यूक्रेन का ऑलमोस्ट मेडिकल का एडमिशन का प्रोसेस फिनिश होने आ गया है। रशिया में कुछ यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है जो बायलिंगुअल कोर्स प्रोवाइड करती है, बाकी जो प्योरली इंग्लिश मीडियम है उसका एडमिशन खत्म हो चुका है। यूक्रेन का भी मे बी शायद ये वीडियो रिलीज होगा वहां तक एडमिशन खत्म हो चुका होगा। उसके अलावा अभी जो ऑप्शंस बचते हैं वो बचने वाले ऑप्शन के अंदर फिलीपींस है, बांग्लादेश है एंड जॉर्जिया है, ये तीन कंट्री अभी अवेलेबल रहेगा। लेकिन यहां पे हम लोग फिलीपींस को सबसे पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं। पहला प्रेफरेंस देने का रीजन क्या है, काफी सारी नेगेटिविटी मार्केट में फैलाई गई है फिलीपींस के बारे में, लेकिन उसको अगर प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया जाए तो फिलीपींस किस मायने में बेटर है वो समझना आवश्यक है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाई फिलीपींस, फिलीपींस क्यों जाना है। तो सी फिलीपींस इट्स ए ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिकल कंट्री दैट मीन्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो टोटली फिलीपींस है वो आइलैंड से बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड से जुड़ा हुआ एक कंट्री है और वहां पे आसपास में टोटली दरिया आया हुआ है, मींस वन काइंड ऑफ बीच जैसा आपको एटमॉस्फियर वहां पे फील करने को मिलेगा। अगर आप इंडिया में गोवा चले जाते हैं या मुंबई चले जाते हैं या फिर चेन्नई चले जाते हैं उस टाइप का माहौल आपको थोड़ा देखने को वहां पे मिलेगा। तो इस मायने में वहां पे ठंड का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं है, इतनी ज्यादा वहां पे बर्फ गिरेगी ऐसा कोई परेशानी नहीं है वहां पे। दूसरा एक चीज आता है लैंग्वेज ऑफ स्पीकिंग, वहां पे मेजोरिटी जो पीपल है वहां पे वो इंग्लिश में बात करते हैं, हालांकि उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो फिलिपिनो है वहां पे, लेकिन ज्यादातर जो बातें होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बात होती है। तो वहां पे लैंग्वेज बैरियर नहीं आता है, कंप्लीट एजुकेशन आपको इंग्लिश में मिल रहा है, प्लस दूसरी कोई लैंग्वेज आपको सीखने की आवश्यकता नहीं रहती है। उसके बाद अगर पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो 109 मिलियन पॉपुलेशन के साथ एशिया का 8वें नंबर का कंट्री माना जाता है फिलीपींस, यानी कि एशिया के अंदर जो हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है उसमें से एक कंट्री आप गिन सकते हो। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से आपको पेशेंट फ्लो भी ज्यादा रहेगा, मींस प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है आपको यहाँ पे कंपेयर टू अदर कंट्री ज्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात करेंगे तो फिलीपींस के अंदर पहले जो था यूएस का राज था, यूएस का वहां पे प्रभुत्व था, 1946 को वहां पे उसको आजादी मिली थी, यानी कि वहां पे जो भी एजुकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश हुई है वो टोटली यूएस बेस्ड है। तो आपको वहां पे यूएस मेडिकल एजुकेशन सिस्टम का एक क्लोनिंग देखने को मिल सकता है वहां पे, मींस उसको ही फॉलो किया जाता है और वही पैटर्न वहां पे यूज हो रहा है। जैसे यूएस के अंदर 10+4 का सिस्टम है वैसे ही फिलीपींस के अंदर भी 10+4 का सिस्टम है। तो उसके लिए वहां पे बीएस का एजुकेशन पहले दिया जाता है, उसके बाद जैसे यूएस के अंदर एमकेट का एग्जाम होता है यहाँ पे एनमेट का एग्जाम होता है और उसके बाद यहाँ पे एमडी का एडमिशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यूएस एजुकेशन सिस्टम का बेनिफिट मिलता है वो आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा काम आ सकता है दूसरे एग्जाम्स क्लियर करने के लिए भी। उसके बाद दूसरी बात आती है ये यूएस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है उसका ही एक बेनिफिट है, उसके पास हर एक टाइप का ग्लोबल एक्रेडिटेशन अवेलेबल है। ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी जो है वो MCI से एक्रेडिटेड है एज वेल एज WHO से एक्रेडिटेड है, ECFMG से या GMC से भी एक्रेडिटेशन है उनके पास, लाइक दैट IMED करके है, फेमर है उसका भी एक्रेडिटेशन है, WDOMS के अंदर भी उसका लिस्टिंग है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, AMC यानी कि ऑस्ट्रेलियन मेडिकल कमीशन से भी एक्रेडिटेशन है उसके पास, MCC जो बॉडी है कैनेडा की उससे भी एक्रेडिटेशन है, एज वेल एज MCNZ यानी कि न्यूजीलैंड का जो एक्रेडिटेशन बॉडी है उससे भी एक्रेडिटेड है वो। तो यहाँ पे एक्रेडिटेशन के मामले में कोई भी परेशानी नहीं रहती आपके लिए। अगर यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन की बात करेंगे तो ज़्यादातर जो एजुकेशन सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू द USMLE और PLAB उसकी करिकुलम की ओर ज़्यादा झुका हुआ है उसका एजुकेशन सिस्टम, यानी कि उसके लेवल को वो लोग मैच करने को वहाँ पे ट्राई करते हैं ऑलवेज। और वही रीज़न है कि अगर आप कोई भी कंट्री में जाते हो फॉरेन कंट्री के अंदर तो ज़्यादातर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर वहाँ पे है लाइक नर्सिंग प्रोग्राम वाले भी आप तक देखने को मिलेंगे, तो फिलिपिनो ज़्यादा देखने को मिलेंगे यूएस कैनेडा और गल्फ कंट्री के अंदर भी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिकल कंट्री के बारे में जब बात आती है तो नॉर्मली फिलिपिन के साथ दूसरी की कंट्रियाँ है जो ट्रॉपिकल जोन में आती है, जैसे कि कैरेबियन कंट्री है, कैरेबियन में काफ़ी सारी कंट्री प्रमोट हो रही है हालांकि आज के दिन में, जैसे बेलीज है, गयाना है, वहाँ पे कोराशाओ है या फिर काफ़ी सारे आप बोल सकते हो नीदरलैंड का नाम से भी प्रमोट किया जाता है। तो कंपैरेटिवली ये सब कंट्री में अगर आप जाते हो तो आपका जो बजट बैठ जाता है वहाँ पे करीबन 70 लाख से ऊपर चला जाता है
नॉर्मल MBBS कोर्स के लिए। लेकिन वहां पे अगर फिलीपींस की प्रीमियम कॉलेज की हम लोग बात, फिलीपींस को यहाँ पे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो प्रीमियम और एक दूसरा ही नॉर्मल। तो फिलीपींस की प्रीमियम यूनिवर्सिटी की फीस भी अगर कंपेयर करेंगे तो वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है कैरेबियन के कंपैरिजन में। और दूसरी बात आती है रिजल्ट के बारे में, तो कैरेबियन से रिजल्ट भी इसका बेटर माना जाता है। और प्लस यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपको पेशेंट फ्लो भी अच्छा, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी काफ़ी बेटर मिल रहा है। तो एक मायने में अच्छी चीज़ बोल सकते हो, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलना आवश्यक है यहाँ पे। दूसरे यहाँ पे जो कोर्स है, यहाँ पे जैसे इंडिया में MBBS का कोर्स है, वैसे फिलीपींस के अंदर हमने पहले बताया, वैसे पहले BS का कोर्स होता है, उसके बाद MED का एग्जाम होता है, उसके बाद MD कोर्स होता है। BS जो होता है नॉर्मली आपका 16-22 months का होता है, जबकि MD प्रोग्राम जो होता है 4 साल का होता है। तो दोनों का मिला के अप्रॉक्सीमेटली 5.8 years का यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन रहता है, जिसमें 1 साल का इंटर्नशिप यानी कि वहाँ पे क्लर्कशिप बोला जाता है वो भी इंक्लूड है। दूसरा, जो इस साल जो एक सर्कुलर आया हुआ था कि कुछ कंट्रीज़ का इंटर्नशिप यहाँ पे इंडिया में वैलिड माना जा रहा है, तो वहाँ पे जो फिलीपींस है उसका भी नाम मौजूद है वहाँ पे। यानी कि अगर आप फिलीपींस से MBBS करने जाते हैं तो 5.8 years के अंदर आपका जो इंटर्नशिप इंक्लूड है उसकी वजह से आपको इंडिया आने के बाद FMGE या तो भी जो भी एग्ज़ाम है वो क्लियर करने के बाद सीधा आप डायरेक्टली आपके स्टेट मेडिकल काउंसिल के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन है करवा सकते हैं आप। यहाँ पे आपको इंटर्नशिप की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इंटर्नशिप वहाँ से कंप्लीट किया हुआ है। तो आपको पे 1 साल जो है वो ड्यूरेशन कम हो जाता है कंपेयर टू द अदर कंट्री। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे FMGE रिजल्ट के बारे में, तो FMGE के रिजल्ट के लिए हर बार जैसे हम लोग नेटबोर्ड की जो वेबसाइट है उसको रेफर करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग तीनों रिजल्ट को 1 by 1 चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे 2012 से 14 का रिजल्ट देखेंगे, तो 2012 से 14 के अंदर कुछ यूनिवर्सिटी का यहाँ पे रिजल्ट रिप्रेजेंट किया गया है, जिसके अंदर अवर लेडी ऑफ फातिमा जो है उसका रिजल्ट आपको एक बेटर दिख रहा है यहाँ पे। जो 100% दिख रहा है उसको आप यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 2-3 students ने एडमिशन लिया है और वहाँ पे 2-3 students क्वालिफाइड हुए हैं। मीन्स वहाँ पे आपको परफेक्ट रिजल्ट पता नहीं चलता, लेकिन जहाँ पे क्राउडेड जोन रहता है वहाँ पे आपको परफेक्ट रिजल्ट पता चलता है। तो 12 से 14 के रिजल्ट की बात करेंगे तो अवर लेडी ऑफ फातिमा है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न फिलीपींस है, और दूसरा दवाओ मेडिकल है। ये तीनों का रिजल्ट आपको यहाँ पे बेटर दिख रहा है। थर्ड फोर्थ पे आती है इमिलियो का। तो ये 4 universities का 12-14 के बारे में आप सही बोल सकते हो। उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग 15 से 18 के रिजल्ट के बारे में, 15 से 18 की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको दवाओं का जो परफॉर्मेंस है वो 33.49% देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे सेंट लुइस यूनिवर्सिटी है, नॉर्दर्न फिलीपींस है, फिर आपका कगायन स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो कि हालांकि अभी एडमिशन प्रोवाइड नहीं करते फॉरेनर स्टूडेंट को। ये सब यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पे 15 से 18 के अंदर भी आपको बेटर रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग 2019 की बात करेंगे, यानी कि नेट बोर्ड की वेबसाइट पे जो लेटेस्ट रिजल्ट रखा गया है वो 2019 का है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दवाओं का रिजल्ट अगेन आपको यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है 54% के आसपास। कगायन का रिजल्ट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे एडमिशन पॉसिबल नहीं है अभी। एंजलस का रिजल्ट आपको यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा। उसके अलावा अवर लेडी ऑफ फातिमा है, उसका रिजल्ट भी आपको यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में अगर यहाँ पे बात करते हैं तो फिलीपींस की जो क्रीम यूनिवर्सिटीज़ है, जो भी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज, सबका रिजल्ट मोर देन 30% अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसका रीज़न एक ही है यहाँ पे कि उसका जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम है, प्लस पेशेंट फ्लो ज़्यादा होने की वजह से प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी ज़्यादा है, और थर्ड चीज़ है यहाँ पे US करिकुलम को फॉलो किया जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जो ट्रॉपिकल डिजीज़ रहती है, ऐसे डिजीज़ यहाँ पे जो भी इंडिया में है सिमिलर पैटर्न के वहाँ पे बीमारियाँ आपको देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल जोन है दैट मीन्स वहाँ पे ठंड वाला माहौल नहीं है, नॉर्मली इंडिया जैसा एटमोसफियरिक वहाँ पे फील होता है। तो यहाँ पे जो बीमारियाँ देखने को मिलती है सिमिलर बीमारियाँ आपको वहाँ पे भी देखने को मिलती है। ये जो बीमारी वाला रीज़न है उसको भी आप एक पॉजिटिव पॉइंट लेके चल सकते हो फिलीपींस एजुकेशन सिस्टम के बारे में। उसके बाद आता है बजट की बात। तो बजट की बात करेंगे तो फिलीपींस को नॉर्मली 2 types के जोन में हमने डिवाइड किया हुआ, एक प्रीमियम और एक नॉर्मल कैटेगरी। प्रीमियम की बात करेंगे तो प्रीमियम के अंदर करीबन आपका 35-45 lakh तक बजट जाएगा, जबकि जहाँ पे नॉर्मल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो 29 तक आपका बजट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, तो टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी दैट मीन्स FMGE रिजल्ट अकेले को हम लोग काउंट नहीं कर रहे, यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी का खुद का भी एक स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो अवर लेडी ऑफ फातिमा एक रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी मानी जाती है फिलीपीन के अंदर। उसके बाद वहाँ पे अगर बात करेंगे तो दवाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद दूसरी आती है वो है एंजलस है, और उसके अलावा एक है डेलासाला। ये 4 या 5 यूनिवर्सिटी जो है प्रीमियम कैटेगरी में आप बोल सकते हो। उसके अलावा नॉर्मल यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर यूवेगुलास आप बोल सकते हो, लाइजियम है,
आमा स्कूल ऑफ मेडिसिन है, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेशनल हेल्प है और साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी को आप नॉर्मल जोन के अंदर रख सकते हो। इनका बजट आपका करीबन 29 लाख के आसपास रहेगा। तो ये बात थी आज के फिलीपींस के एमबीबीएस के कोर्स के बारे में और कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर आप काउंट कर सकते हो उसके बारे में। यूनिवर्सिटी वाइज डिफरेंट वीडियोज़ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में लेके आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बारे में और डिफरेंट यूनिवर्सिटी के कंपेरिजन के बारे में कि कौन सी यूनिवर्सिटी कैसे बेटर हो सकती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दूसरी चीज़, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो फिर से मेरा रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब जरूर से कर लें। उसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके बात कर सकते हैं एवं हमने यहाँ पे जो मेल आईडी रिफ्लेक्ट किया हुआ है उस मेल आईडी के ऊपर आप मेल भी कर सकते हो। उसके अलावा हमारा चैट सेक्शन अवेलेबल है, वो चैट सेक्शन पर जाके भी आप बात कर सकते हो। और दूसरा, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म अटैच होता है हमारा, वो फिलअप करके भी आप हमको क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।